और मैं इस स्टैंड के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी गई है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। और मैंने कहा हमारे नेताओं को कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरा पूरा पालन करूंगा और काम करके मैं दिखाऊंगा। अभी हमारे कई नेताओं ने कहा कि सिग्नल मिल गया, हम विधायक बन गए। मैं कोई दावा नहीं करता, आप लोग सब चाहेंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं। लोग बहुत अफवाहें करते हैं, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मुझे पार्टी मौका देगी मैं चुनाव लड़ूंगा। आप लोग सब चाहेंगे कि रफीक भाई चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको लगे कि रफीक भाई की जरूरत को जरूरत है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इच्छा मेरी भी है कि मुझे एक बार चुनकर विधायक बन के जो मेरे पिताजी ने काम किए वो जो अधूरे हैं उनको मुझे पूरा करना है। लेकिन आप सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखो चुनाव अकेला आदमी नहीं लड़ सकता, मंदिर को कौन पुजाता है सब पुजारी पुजाता है, पुजारी अच्छा नहीं होगा तो कोई मंदिर नहीं जाता। तो विधायक कौन बनाता है, कार्यकर्ता बनाता है, और कार्यकर्ता मजबूत होगा तो विधायक को कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए मैं तो आपसे सबसे एक बार राय लूंगा, एक मीटिंग लूंगा, आप लोग सब कहेंगे कि रफीक भाई लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपके बगैर मैं नहीं लड़ सकता। रही पार्टी की बात, पार्टी चाहेगी मुझे टिकट देगी तो मैं ले लूंगा, हमारे भाई को दूसरे को टिकट देगी तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। ये मैं आपके सामने कहता हूं, लोग चाहे मुझे कुछ भी कहे, मेरी पीछे से कितनी भी बुराई करे, लेकिन मैं किसकी बुराई नहीं करता। जिस भाई को टिकट मिलेगी हम उसके साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं तो सगड़ा सपोर्ट कर सकता, मैं तो खाली वोट ही मांगा, मैं तो और भी सपोर्ट कर सकता, कोई भाई ने मिलसी तो चार एंगल का सपोर्ट कर सकता। और थारे साहब के सामने कह रहे हैं बात का और थारा हाथा से करवा चाहो तो इस वास्ते कि हर आदमी ने आपने टिकट मांगनी थी, झूठा साझा बुराई करना करना है कोई मतलब मैं तो होना था। पीछे लोग आया जो देखे पत्रकार महोदय एक कोई पूछे हो गए गांधी साहब ने कहे गांधी मीटिंग कर रहा मेरे को गांधी साहब के गांधी साहब साथ हम जो है गांधी साहब एक ऐसा नेता है किसी की चाय नहीं पीता। और जब हमने गाड़ियां नहीं देखी ना तो उसके बाप दादे ने मेरी गाड़ियां देखी तो घर गाड़ियां देखने लगी। तो किसके ऊपर ब्लेम करना, किसके ऊपर आप कौन पूछवा दिया उसको पता नहीं है, कौन देखने में गया था पता नहीं। अब गांधी साहब उत्तराखंड का रखा जाता है बेटा, कल पुजारी जी को भी टिकट दी उसके बारे में तो नहीं बोला कि पुजारी जी गांधी जी के। तो ये गलत बातों से ये नहीं रखता। और मीडिया भाइयों से तो ऐसा सवाल करना चाहिए उनको, मीडिया भाइयों को, कि जो हकीकत हो उस ऐसे सवाल को, गलत सवाल करना अच्छी बात नहीं हो। काजी साहब को हम जानते हैं तो मैं तो पांच बार टिकट लेके आया हूं, काजी साहब तो एक ही बार था, मैं तो पांच बार लाया हूं टिकट, तो काजी साहब तो एक ही टिकट में था, तो पहले वाले में तो क्या क्या लिया होगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर गाड़ी और पैसों से टिकट नहीं मिलती, आपको बता दू कांग्रेस पार्टी में उसका
बैकग्राउंड देखा जाता है, उसका काम देखा जाता है, उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, उसके बाद में टिकट मिलती है। बड़े भी टिकट थोड़ी लेते हैं, चुनाव लेता है। जहां टिकटों की मारामारी होती है तो वहां डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, और पार्टी हमें कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ लेंगे, पार्टी कहेगी नहीं नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। और पार्टी से क्या होता है, जब तक आप लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, आप साथ होंगे तो चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है